ओके, एक इम्पोर्टेंट जरूरी बात बोल रहा हूँ, राइट? आई मीन लोगों के पास फोकस नहीं है कि क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं चेन्नई एयरपोर्ट में उतरा, एक आदमी था बहुत इरीटेटेड, कार इतना बुरा, आई एम टॉकिंग अबाउट ओला कार. आई मीन चेन्नई में आपका ओला सर्विस बहुत बेकार है. जैसे उतरा मैंने, गलत जगह पे पार्किंग किया, कुछ 150 रुपये उसने पार्किंग का पे किया. मैं ये बताने वाला हूँ कि एटीट्यूड, अप्रोच, ट्रेनिंग एंड कस्टमर से कैसे बातें करना, ये सब चीज़ अगर किसी को पता है ना, वो खुशी खुशी ज़िंदगी जी सकते हैं. नहीं तो उनको पता नहीं है कि वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं और मरेंगे वो. उनको पता ही नहीं होगा और पूरा दुनिया भर को गाली देंगे कि दुनिया ऐसा है, दुनिया वैसा है. लेकिन सुधरना किसको है? उनको. करेक्ट? मैं बताता हूँ स्टोरी. जैसे मैंने उतरा, अंदर आया, कॉल किया, उन्होंने गलत जगह पे पार्किंग किया, तो उन्होंने कुछ 150 रुपया उसको एयरपोर्ट वाले के दिया, जो ओला को हम लोग दे नहीं सकते हैं. फिर गलत जगह पे मुझे बुलाया, बहुत इरिटेटेड था बंदा, रात भर सोया नहीं, सुबह बोलते नाश्ता नहीं किया, क्योंकि मैं नाश्ता करूँगा तो सो जाऊँगा, इसके लिए नाश्ता किया. क्या पैथेटिक लाइफ जी रहे हैं ना. फिर जैसे ही उसने गाड़ी में एंट्री किया, इतना इरिटेटेड था, मुझे जहाँ पे जाना था 1 मिनट का डिस्टेंस था, लेकिन उसने पहले ही छोड़ दिया लगेज के साथ. बोला कि आप कैसे भी जाओ, मुझे बस यहाँ तक कि आपका डेस्टिनेशन. बस उसने यही देखा कि उसका क्या इश्यू है, बस जो पैसा दे रहा है उनके मन में क्या है, उसको क्या अच्छा लगेगा, क्या करना चाहिए, उसने देखा नहीं. राइट? आप जो भी धंधा करते हो, अगर कस्टमर्स का ध्यान नहीं करते हो, आपको जिंदगी आपका कभी भी सुधार हो नहीं सकता. राइट? कोई भी धंधा हो. बिल गेट्स बोलते हैं कि सबसे बड़े आपका एक्सपीरियंस स्टडीज़ उसमें होना चाहिए, किससे? जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर्स आपको गालियाँ देके जाते हैं, जो कस्टमर्स बहुत बेचैन हैं, आपसे कुछ नहीं है, सिर्फ उनसे आप सीख सकते हो अपना धंधा कैसे बढ़ाना है. राइट? तो ये सब अच्छा मौका है. एनीवे, उसको तो इतना ध्यान है नहीं है, वो इतना नहीं कर सकता. एनीवे, मैं जनरल बोल रहा हूँ, कस्टमर्स को खुश रखना तो आप खुश रहोगे. ट्रेनिंग, कस्टमर से कैसे बातें करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो वाला. और अल्टीमेटली अपना हेल्थ को ध्यान रखना. कमाते किसके लिए? जितना दौड़ बौड़ के कमा कितना है. तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस 4 थिंग्स, योर लाइफ विल हिंग्रो. ये छोटा सा एक्सपीरियंस है, मतलब ऐसा मैं देख रहा हूँ हजारों करोड़ों लोग सेम मेंटालिटी में घूम रहे, वो खुशी की जिंदगी जी नहीं पाते. उनको कहीं ना कहीं तो उंगली करते हैं कि ये दुनिया बेकार है, ये बेकार है, मेरा लाइफ ऐसा है, वो है. सिर्फ इतना है कि उनको पता नहीं है कि इस तरह की जिंदगी जिया जा सकता है, सोचा जा सकता है. राइट? इसके लिए मैं सब पॉइंट्स बताता हूँ. मेरा ट्रिगर सेशन है जो लाइफ में पूरा पॉइंट्स कवर करता है. आपको किस तरह का माइंडसेट करना है, अभी तक मैंने 20,000 लोगों का ट्रेनिंग किया है, करीब 6,000 लोग ये ट्रिगर सेशन में क्रॉस किए हैं. उनको माइंडसेट, उनको एक नया जन्म मिला है. राइट? आई मीन उस तरह का सोच विचार. राइट? उसके बारे में हम बात करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर, जो पता नहीं है वो पता करने की कोशिश करो लाइफ में. ओके? और दुनिया को गलत बोल के कुछ होने वाला नहीं है. थैंक यू.